आप सभी को मैं डॉक्टर बिजमोहन योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए 5 दिवसीय योग शिविर के पहले दिन के सत्र में आप सभी को कपाल भाती के उसकी विधि, उसके लाभ, उसकी सावधानियां को मैं बताने का प्रयास करूंगा। आइए ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। सिद्धासन में कमर सीधा, आंखें बंद, मन शांत और झटके से वेगात्मक रूप से नासिका से प्राणवायु को बाहर फेंकते हैं। तो जैसे ही सांस बाहर निकलेगा तो पेट हमारा अंदर जाता है। जब सांस को आप बाहर फेंकेंगे, जब जब बाहर फेंकेंगे यानी एक झटका 1 सेकंड का होगा, 1 स्ट्रोक 1 सेकंड, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। अब जब सांस को बाहर फेंकेंगे तो एक प्राणायाम मंत्र होता है, ओम भू, ओम भुव, ओम स्वा, ओम मह, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, या केवल ओम ओम का उच्चारण करिए, ओम ओम मन ही मन, ओम 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 ओम, या गायत्री मंत्र का भी, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक अभ्यास करना है और यह अभ्यास जिनको तेज माइग्रेन यानी माथा दर्द हो वो नहीं करेंगे तेजी से, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है उनको तेजी से नहीं करना है, जो पेट का ऑपरेशन तत्काल करवाए हैं उनको 3-4 महीना तक कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है, जिन माँ बहनों को पीरियड्स का समय हो, महावारी का समय हो, उस समय में कपालभाति का अभ्यास नहीं करते हैं, या गर्भावस्था में कपालभाति का अभ्यास नहीं करते हैं। ये बार बार जब अभ्यास करेंगे तो मन में एक संकल्प लेंगे कि ये परमात्मा मेरे भीतर के सारे विकार वेगात्मक रूप से बाहर निकल रहा है, दुनिया का ओझ तेज सुख शांति समृद्धि सब मेरे भीतर आ रहे हैं। ऐसा अभ्यास करने से गैस की समस्या, कब्ज की समस्या करते जाइए, गैस कब्ज तो 2-3 दिन में लाभ मिलना शुरू कर देगा। पेट की चर्बी हो, मोटापा हो, जिनका जांग मोटा हो गया हो यानी शरीर बेढंगा हो गया हो, जिधर तिधर मोटा पतला हो गया हो, पैंक्रियाज हो, लीवर हो, अमाशय हो, पकवाशय हो, पिताशय हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, गर्भाशय हो, मूत्राशय हो, मलाशय हो, सबको यह एक्टिवेट करता है, जागृत करता है। तो हम सब शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, थकान, तनाव, बवासीर, नकसीर, भकंदर, माइग्रेन, जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, साइटिका, चर्म रोग, सफेद दाग, धातु रोग संबंधित समस्याएं हो, जिनको स्वप्न दोष होता हो, माँ बहनों को लिकोरिया की समस्या हो, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर की समस्या हो, यहाँ तक कि बहनों में बांझपन की समस्या हो या भाइयों में नपुंसकता की समस्या हो, केवल और केवल कपालभाति से हम उसे ठीक कर सकते हैं। कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को भी हम कपालभाति से हरा सकते हैं, मात दे सकते हैं। बस केवल और केवल आवश्यकता है नियमित रूप से 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास करने का। जीवन रूपी चादर, चादर रूपी जीवन, बड़ी मेहनत बड़ी जतन से परमात्मा ने इसको बुना है। इड़ा पिंगला की ताना भरनी
चादर की बुनाई करते हैं, उसमें प्रेम करुणा दया सेवा परोपकार के भाव भरते हैं और हमारे भीतर काम क्रोध मदमोह लोभ अहंकार राग द्वेष जीत हार मान अपमान जैसे द्वंद्वों से हम मुक्त हो जाने और जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होने लगती है। मोक्ष क्या है? हमारे अंदर प्रेम करुणा दया सेवा परोपकार के भाव भर जाए तो मोक्ष, और हमारे भीतर काम क्रोध मदमोह लोभ अहंकार राग द्वेष जीत हार मान अपमान जैसे भाव भर जाए तो नरक। स्वर्ग नरक हम अपने कर्मों से उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो कपाल भाति का अभ्यास करते करते कोई व्यक्ति खैनी खाता है नशा लेता है वो धीरे धीरे छूट जाता है। उसका कारण क्या होता है कि हमारे भीतर सात्विक शक्तियां हैं, तामसिक शक्तियां हैं और राजसिक शक्तियां हैं, यानी तीनों शक्तियों में सात्विक शक्तियों का मनोबल या उसका प्रभाव ज्यादा होने से तामसिक और राजसिक शक्तियां धीरे धीरे शांत और शिथिल हो जाते हैं और हमारा विचार हमारा कर्म हमारे भाव हमारे सोच हमारे कर्म यानी हमारे इंद्रियां भी सात्विकता के साथ जुड़ करके निम्न चेतना से उच्च चेतना की तरफ बढ़ने लगती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं प्रतिदिन योगाभ्यास करने का, प्रतिदिन कपालभाति का अभ्यास करने का। ओम।